हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ के वी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट्स दिस इज़ पार्ट टू ऑफ क्लास सिक्स साइंस लास्ट चैप्टर गारबेज इन गार्बेज आउट इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस वीडियो पार्ट वन में कवर कर चुके हैं वहाँ तक चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा वो वीडियो आप सबने देख ली होगी रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो वी वर ऑन पेज वन फिफ्टी नाइन टॉपिक था हमारा थिंक एंड थ्रो सोचिए और उसके बाद थ्रो करिए हाउ मच ऑफ गारबेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे हर एक दिन एक घर से कितना गारबेज थ्रो किया जाता होगा यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाई यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर आप बकेट को एज मेजर यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेट करने के लिए अंदाज़ा लगाने के लिए यूज अ फाइव टू टेन लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम अपने घर से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए पाँच से दस लीटर की एक बकेट ले लीजिए फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों तक के लिए इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल कितने दिनों में आपकी बकेट फुल हो जाती है पूरी भर जाती है यू नो द नंबर ऑफ मेम्बर्स इन योर फैमिली आप जानते होंगे आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन अगर आप अपने शहर की अपने टाउन की सिटी की पॉपुलेशन देखें कितने लोग वहाँ पर रहते हैं कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन तो क्या आप एस्टिमेट आप कर सकते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं एक दिन में कितना कूड़ा आपके शहर से जाता होगा वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गारबेज एवरी डेज एंटेट हम लोग रोज एक माउंटेन एक पूरा पहाड़ जनरेट कर रहे हैं गार्बेज से लेटेस्ट रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज एक गांव की कहानी पढ़ते हैं वेयर देर इज लेस गारबेज जहाँ पर कम कूड़ा है एंड मोर विजडम बुद्धिमत्ता ज़्यादा है लोगों में विजडम समझदारी ज़्यादा है नानू स्टडीड इन क्लास सिक्स नानू जो है वो सिक्स क्लास में पढ़ता है ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स उसको पेपर से प्लेन बनाना जैसे आप लोग भी बनाते होंगे वो बहुत पसंद है हिज मदर इज़ वेरी अनॉइड वेन ही टीयर्स ऑफ शीट फ्रॉम न्यू नोटबुक टू मेक एरोप्लेन एरोप्लेन बनाने के लिए वो नई नोटबुक से जब पेज को टेयर करता है फाड़ता है तो उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है बट नानू डज़ नॉट केयर लेकिन नानू को फ़र्क नहीं पड़ता वंस नानू वेन टू हिज आंस विलेज एक बार नानू अपने आंट के घर जाता है गाँव जाता है अलॉन्ग विद हिज मदर अपनी मदर के साथ ही वॉज अमेज एट द वटी ऑफ थिंग्स इज कज़न शाम हैंडमेड वो हैरान हो जाता है जितनी वेराइटी की चीज़ें उसके कज़न शाम ने बनाई हुई थी वहाँ पर फाइल्स फ्राम ओल्ड चार्ट पुराने चार्ट से फाइल बनाई हुई है ग्रीटिंग कार्ड डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्राम पेंसिल्स शेविंग पेंसिल शेविंग से उसने फ्लावर्स का डिज़ाइन बनाया हुआ है मैट्स फ्राम ओल्ड क्लोथ पुराने कपड़ों से मैट्स बनाई हुई हैं बास्केट फ्राम यूज ओल्ड पॉलिथीन बैग से बास्केट बनाई हुई है व सम ऑफ द आइटम नानू लाइट ये कुछ आइटम हैं जो कि नानू को वहाँ बहुत पसंद आए शाम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड जो इनविटेशन कार्ड्स आपके घर में आते हैं शादी के बर्थडे के उसने उनको यूज़ करके अपनी एक डायरी भी बनाई हुई थी वन मॉर्निंग एक सुबह नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानू अपनी ग्रैंड मदर अपनी नानी को ढूंढने के लिए जाता है ही सो दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट तो वो देखता है कि वो एक बास्केट पे टोकरी के ऊपर कुछ थिक पेस्ट सा लगा रही है नानू आज नानू पूछता है नानी वॉट आर यू डूइंग आप कर क्या रही हो वॉट इज दिस पेस्ट और ये पेस्ट क्या है दिस इज पेपर पेपियर मैश ये पेपियर मैश है कैसे बनता है अब पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्स सम राइस हस्कानी ये जो पेपियर मैशे है इसको बनाने के लिए मिट्टी चाहिए क्ले चिकनी मिट्टी उसके बाद पेपर कागज़ और उन्होंने इसमें थोड़ा सा राइस का हस्क भूसा भी मिलाया हुआ है बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्ट लेकिन आप इसे टोकरी पर क्यों लगा रही हो नानू पूछता है टू मेक इट स्ट्रांगर जिससे कि जो बाकेट है वो स्ट्रोंगर बन जाए मजबूत बन जाए सेड नानी एन एडेड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी तुम मुझसे ये सीखोगे नानू वॉज नॉट वेरी कीन नानू को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं एंड रन आउटसाइड टू प्ले वो भाग जाता है वहाँ से खेलने के लिए ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग अप पेपर टू मेक प्लेन उसको तो सिर्फ प्लेन बनाने में इंटरेस्ट था पेज को फाड़ के प्लेन बनाना उसको अच्छा लगता था इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टेयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम शाम्स फाइल इनफैक्ट जब वो शाम के यहाँ पर गांव में गया हुआ था उसने शाम की फाइल से भी पेज को टेयरअप करना शुरू कर दिया शाम कलेक्टेड ऑल द पीसीज ऑफ पेपर नानू हैज़ हैड यूज शाम ने जितने भी पेपर यूज़ किए थे नानू ने सभी को इकट्ठा किया वंडरिंग वॉट टू डू अबाउट हिम और वो सोच रहा था कि इसका मैं क्या करूँ ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनी वन ये तो किसी की सुनता ही नहीं है इट वॉज नानूज बर्थ डे इन अ फ्यू डेज़ कुछ दिनों में नानू का बर्थडे आने वाला था शाम प्लान टू इन्वाइट नानूज़ फ्रेंड शाम ने प्लान किया कि वो नानू के दोस्तों को इनवाइट करेगा नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट नानू ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले एंड वेंट टू द मार्केट और तो मार्केट चला गया ही बॉट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स वो अपने दोस्तों के लिए कुछ पेपर हैट लेकर आता है ही आज द शॉपकीपर फॉर द पॉलीथीन बैग टू कीप द हैट्स वो शॉपकीपर से कहता है एक पॉलीथीन बैग दे दो जिसमें कि मैं ये हैट्स रख सकूँ हु गेव अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन और Uh, वहाँ पर जो शॉपकीपर था उसने उसको पॉलिथीन नहीं दी बल्कि एक पेपर का ही बना हुआ बैग दे दिया नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम्स नानू और भी बहुत सारे आइटम्स जैसे कि बिस्किट टॉफ़ी लाया ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलीथीन बैग वो हैरान था कि इन चीज़ों को मैं लेके कैसे जाऊँ क्योंकि कोई भी जो शॉपकीपर था वहाँ पर कोई भी उसको पॉलीथीन देने के लिए तैयार नहीं था शाम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लोथ बैग विद हिम शाम ने उसको कहा भी था कि अपने साथ एक कपड़े का थैला लेकर चले जाओ क्योंकि उसे पता होगा उनके गांव में लोग पॉलीथीन यूज़ नहीं करते हैं एंड ही was सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम और अब उसको बुरा लग रहा है कि मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी सम हाउ किसी तरीके से ही मैनेज टू रीच होम विथ ऑल हिज परचेजेज जो भी चीज़ें उसने खरीदी थी वो उनके साथ घर जाता है नानू उस फ्रेंड इंजॉयड द फीसट ऑन हिज बर्थडे नानू के जो दोस्त है वो जो फीसट बना है खाना बना है उसको बहुत इंजॉय करते हैं एंड प्लेड मैनी गेम्स और बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं नानू विद बैग्स फुल ऑफ परचेज नानू देखिए सभी बैग्स लेकर आ रहा है ऑल हीज फ्रेंड्स वो द शाइनी पेपर हैट्स नानू हैज बॉट नानू जितने भी पेपर की हैट्स लेके आया था वो सभी उसके दोस्त पहनते हैं शाम मेड ब्यूटिफुल पेपियर मैशे मास्क फॉर नानूज फ्रेंड पेपियर मैशे हमने देखा था कैसे बनता है क्ले और Uh, उसको पेपर को मिला के उसमें थोड़ा सा हस्क भी मिलाया जाता है तो उसका बहुत अच्छा मास्क बनाया था नानू uh, के फ्रेंड के लिए शाम ने ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज़ वेल और नानू के लिए भी उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट था अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ़ ऑल द पीसेज ऑफ पेपर नानू हैड थ्रोन अवे नानू ने जितने भी पीसीज ऑफ पेपर फेंके थे उन्होंने उसको यूज़ करके शाम ने उसको यूज़ करके एक फोटो फ्रेम और एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया हुआ था इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू नानू के लिए एक नया एक्सपीरियंस था ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क जो मास्क सामने बनाए थे सभी फ्रेंड्स उनको लेके अपने घर चले जाते हैं नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट नानू भी बहुत एक्साइटेड था कि जल्दी से अपना खाना फिनिश करे और फिर देखे कि, कि किसने क्या गिफ्ट दिए हैं नानू रिटर्न होम नानू घर आता है आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर जब उसके हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाते हैं हाउ डिफरेंट हिज टाउन फ्रॉम शाम विलेज वो सोचता है कि उसका ये जो टाउन है शहर है वो शाम के गांव से कितना अलग है देर वर नो राग पिकर्स इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन गाँव में कोई राग पिकर्स जो कचरा बीनने वाले होते हैं आपने देखा होगा प्लास्टिक का थैला अपने साथ रखते हैं कूड़ा उठाते रहते हैं गाँव में वो भी नहीं है क्योंकि गाँव में वहाँ पर सभी चीज़ें नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी है पहले से ही बट नाउ ही स्टॉप मेकिंग प्लेज वेन ही सॉ द राग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज स्कूल लेकिन पहले जब वो कचरा बीनने वालों को देखता था तो फेसेस बनाता था अब वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसको उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन आपने भी कई बच्चे देखे होंगे सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस आपके घर के आसपास पास ही गारबेज को सॉर्ट करते हैं अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं या फिर किसी और प्लेसेस पर ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटीरियल फ्रॉम द गारबेज इन बच्चों को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल है वो गार्बेज से अलग करते हैं दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस वो एक्चुअली में हमारी हेल्प कर रहे हैं टॉक टू वन अ चाइल्ड एंड फाइंड आउट ऐसे एक बच्चे से बात करिए और पता करिए वॉट डू दे डू विद द रबिज दे कलेक्ट जितना भी वो ये uh, कूड़ा कलेक्ट करते हैं उसका वो क्या करते हैं वेयर डू दे टेक इट और वो उसको लेके कर कहाँ जाते हैं डज ही और शी गो टू स्कूल क्या वो बच्चा स्कूल जाता है वॉट अबाउट हिज और हर फ्रेंड्स और उसके दोस्त कौन है ये आप उनसे बात करके पता करेंगे इफ़ दे डो नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन्स अगर वो स्कूल नहीं जाता है बच्चा तो क्या कारण है वो भी आप पता करेंगे कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट और अगर आप उनकी हेल्प कर सके पढ़ने लिखना उन्हें सिखाने में तो बहुत अच्छा रहेगा हैव यू एवर हेल्प एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर ग्लासेज एंड मेटल थिंग्स प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक टू गार्बेज डीलर जो कबाड़ी वाले आते हैं कि आपने कभी उनको न्यूज़पेपर या फिर ग्लास मेटल की चीज़ें प्लास्टिक या फिर अपनी नोटबुक जो होती है वो कभी बेची है टॉक टू हिम उससे बात करिए एंड फाइंड आउट व्हाट इट डज विद ऑल द गार्बेज इतनी सब चीज़ों का वो करता क्या है ये उससे बात करके आप पता करेंगे वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार पेपर लाइक शाम क्या आप भी पेपर बनाना पसंद करेंगे जैसे शाम पुराने पेपरों से फिर आपने कुछ पेपर डिस्कार्ड कर दिए फेंक दिए वैसे बनाता था लेट अस लर्न हाउ टू डू दिस चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है ऑफ पेपर पेपर की रीसाइकिलिंग यू विल रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर इसके लिए आपको कुछ पुराने न्यूज पेपर चाहिए होंगे मैगजीन यूज एनवल्स नोटबुक या फिर कोई भी ऐसा पेपर जो यूज है खराब है डो नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर जो कुछ चमकदार पेपर्स होते हैं प्लास्टिक के शाइनिंग थोड़े से उनको यूज़ आपको नहीं करना है यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट इसके लिए आपको तारों की जाली वाला एक बड़ा सा फ्रेम भी चाहिए होगा यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लार्ज साइज सीव इन इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम या फिर आप कोई बड़ी सी एक छन्नी भी ले सकते हैं उस फ्रेम की जगह टीयर द पेपर इन टू स्मॉल पीसेज जितने भी पेपर हैं उनको छोटे छोटे पीसेज में टेयर uh, कर लीजिए पुट देम इन अ टब और अ बाट एंड पोर वाटर इन इट उनको पानी एक टब में या फिर किसी बकेट में डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए उनके ऊपर लेट द पीसीज ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर फॉर अ डे एक दिन तक उनको पानी के अंदर ही रहने दीजिए मेक अ थिक पेस्ट ऑफ़ पेपर बाय पाउंडिंग इट उसके बाद उनको बाहर निकाल के अच्छे से पाउंड करके पीट के पेस्ट जैसा बना लीजिए नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम फ्रेम में जो आपने वायर से मैश uh, तैयार किया था जाल तैयार किया था उसके ऊपर उसको फैला दीजिए इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल उसको पैट करते रहिए हाथ से ताकि जो उसकी थिकनेस है मोटाई जो है वो बराबर रहे, ऐसा ना कहीं से ज़्यादा थिक है कहीं से पतला है यूनिफॉर्म होना चाहिए सब जगह से वेट टिल वाटर ड्रेन ऑफ जब तक कि उसका पानी ड्रेन ऑफ नहीं हो जाता पूरा निकल नहीं जाता तब तक वेट करिए इफ़ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लोथ और शीट ऑफ न्यूज़ पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोकअप द एक्स्ट्रा वाटर अगर हो सके तो वो जो आपने तैयार किया है मैश के ऊपर उसके ऊपर कोई पुराना कपड़ा या शीट ऑफ न्यूज़पेपर रख दीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा जो पानी रह गया उसको सोक कर ले सोख ले नाउ केयरफुली रिमूव द लेअर ऑफ़ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम उस फ्रेम से बहुत ध्यान से उस शीट को रिमूव करिए स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़ पेपर इन द सन उसको न्यूज़पेपर की एक शीट के ऊपर बिछा दीजिए सूरज की धूप में कीप द कॉर्नर्स ऑफ न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दिस डू नॉट कर्ल अप साइड में से आपने न्यूज़पेपर बिछाया है उसके चारों तरफ ईट रख दीजिए ताकि ऐसा ना हो कि उड़ के वो उसके ऊपर आ जाए यू कैन एड फूड कलर पीसेज ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स और पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट उसको फैलाने से पहले स्प्रेड करने से पहले आप उसमें कोई कलर डाल सकते हैं ड्राई लीव्स पत्ती के पीसेस भी डाल सकते हैं या फिर फ्लावर्स की पेटल्स डाल सकते हैं कलरफुल पेपर डाल सकते हैं इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटिफुल पैटर्न ऑन इट उससे आपका पेपर तो बन ही जाएगा लेकिन उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा पैटर्न भी आएगा कैन वी रिसाइकल एवरी थिंग जस्ट एज वी रिसाइकल्ड पेपर जब वो सूख जाएगा तो देखिएगा आपका एक थिक सा पेपर तैयार हो गया है उतना पतला नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो मशीन से बनाए जाते हैं लेकिन पेपर आपका बन जाएगा तो क्या हम सभी चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं जैसे हमने अभी पेपर को किया पुराने पेपर से नया बना दिया प्लास्टिक बून और कर्स प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान है अच्छी चीज़ है या फिर कर्स है अभिशाप है सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम कुछ प्लास्टिक है जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा से लेकिन सभी का रिसाइकिलिंग नहीं होती है डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी वन एक्टिविटी वन में आपने देखा होगा जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो रॉट नहीं होते हैं गलते नहीं हैं यू माइट नाउ ईजीली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गारबेज डिस्पोजल अब शायद आप समझ गए होंगे कि पॉली बैग्स जो होते हैं वो एक्चुअली गारबेज के डिस्पोजल डिस्पोज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए कहा जाता है इनको यूज़ नहीं करना चाहिए इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आर लाइफ विदाउट प्लास्टिक बिना प्लास्टिक के अपनी जिंदगी को इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल है शैल वी लिस्ट ऑफ यू थिंग्स we यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक कुछ चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, जैसे कि आपके टॉयज आपके शूज़ बैग्स पेन कॉम कंघी टूथब्रश आपका बाकेट बाल्टी बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स कितनी चीज़ें हैं प्लास्टिक में द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग ये लिस्ट बहुत लंबी है कैन यू नेम अट्स ऑफ बस कार रेडियो टेलीविजन रेफ्रिजरेटर एंड स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक इन चीज़ों के भी कुछ पार्ट्स हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन इट्सल्फ माईट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम प्लास्टिक को यूज करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम्स अराइज वेन वी यूज प्लास्टिक एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट वेज ऑफ डिस्पोजिंग देअर वेस्ट प्रॉब्लम तब आती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं प्लास्टिक को और उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ़ नहीं करते हैं ऐसे फेंक देते हैं कहीं मिट्टी में फेंक दिया तो वो उसके ऊपर एक परत बना लेती है जिससे कि फर्टिलिटी जो आपकी सॉइल uh, है फर्टिलिटी लूज़ कर देती है या फिर उसको नॉर्मल uh, डस्टबिन में फेंक दिया जिससे कि गारबेज डिस्पोजेबल में प्रॉब्लम आती है दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस ये चारों तरफ हमारे हो रहा है वी माइट इवन बी एक्टिंग इ रिस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हार्मफुल है लेकिन फिर भी हम इरिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके उसमें नहीं समझते हैं वी ऑफ़न यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुकड फूड आइटम्स कुछ जो बने हुए कुकड फ़ूड आइटम्स हैं उसको कई बार आ, रखने के लिए स्टोर करने के लिए हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर करते हैं समटाइम्स दीज बैग्स मे नॉट बी सूटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स कुछ जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो खाने की चीज़ें रखने के सूटेबल uh, नहीं होते हैं उनके काम के नहीं होते हैं कंज्यूमिंग फूड पैकेट्स इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आर हेल्थ आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है ऐसे प्लास्टिक बैग में रखी हुई चीज़ें खाना मैनी अ टाइम शॉपकीपर्स यूज प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज अर्लियर फॉर अदर परपजेज़ कई बार ऐसी पॉलीथीन आपको शॉपकीपर दे देते हैं जो पहले किसी और काम में यूज़ की गई थी समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाई रैग पिकर्स कई बार जो रैग पिकर्स आपके यहाँ होते हैं जो पॉलीथीन इकट्ठा करते हैं कचरा बीनने वाले लोग वो भी यूज़ कर ली जाती है उनको धोने के बाद यूज़ ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम्स वड बी हार्मफुल फॉर आर हेल्थ तो ऑब्वियसली उनको ऐसे प्लास्टिक को यूज़ करना हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है फॉर स्टोरिंग ईटेबल वी मस्ट इंसिस्ट ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज अगर आपको फूड आइटम्स को या फिर ईटेबल किसी खाने की चीज़ों को स्टोर करना है तो ऐसे प्लास्टिक बैग को यूज़ करिए जो अप्रूव्ड हो कि हाँ उसे इसके लिए यूज किया जा सकता है ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज सभी टाइप की जो प्लास्टिक्स होती हैं उनमें से हार्मफुल गैसेज निकलती है अपॉन हीटिंग और बर्निंग जब उनको बर्न किया जाता है या गर्म हीट किया जाता है दीज गैसेज में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन कैंसर भी हो सकता है ह्यूमन्स में द गवर्मेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रीसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस इशू की है कि को किया नहीं, 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 प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाए नया नई 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 प्लास्टिक प्रोड्यूस ना की जाए जो बन चुकी है पहले क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती एक बार जो बन गई तो जो बन चुकी है उसी को ही यूज़ कर लिया जाए पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग पॉइजनसटांस शुड बी रिसाइकल सेपरेटली एंड दैट सच रिसाइकल प्लास्टिक आर नॉट यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स ओके पहली एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती है कुछ जो पॉइजनस सब्सटांस होते हैं जहरीली जो चीज़ें हैं जैसे कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है जो अगर बॉडी के अंदर जाते हैं तो हार्मुल इफेक्ट हो सकते हैं तो ऐसे जो प्लास्टिक है जो इनको स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है उनको अलग से रिसाइकल किया जाए और जो खाने वाली चीज़ों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक यूज़ की जाती है उनको अलग से रिसाइकिल किया जाए तो अच्छा सजेशन है पहली का यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स आपने देखा होगा लोग अपने घर का कूड़ा प्लास्टिक बैग में पॉलिथीन में रख देते हैं एंड देन थ्रो इट अवे उसके बाद उसको फेंकते हैं वेन स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन दीज बैग्स जब कुछ ट्रे एनिमल्स इन बैग्स में अपना खाना ढूंढते हैं जैसे कि गाय वगैरह जो घूमती रहती है सड़कों पर वो इनमें खाना ढूंढने के लिए आती है दे एंड अप अपॉलोइंग डीज वो इनको सॉलो कर लेती है इनको ऐसे ही खा लेती है समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस और कई बार इसकी वजह से वो मर भी जाती है क्योंकि पॉलीथीन उनके पेट में चली जाती है द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड एंड अदर प्लेसिस गेट इन टू ड्रेन एंड द सीवर सिस्टम जो पॉलीथिन लोग ऐसे ही फेंक देते हैं रोड के ऊपर वो कई बार नालियों में चली जाती है सीवर सिस्टम में चली जाती है एंड एज अ रिजल्ट उसका क्या रिजल्ट होता है ड्रेन्स गेट चॉक एंड द वॉटर स्पिल्स ऑन द रोड्स नालियाँ बंद हो जाती है और वाटर जो है वो रोड के ऊपर स्पिल हो जाता है फैल जाता है ड्यूरिंग हैवी रेन्स और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू और भी बहुत सारे हार्म हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज करने से हो सकते हैं वॉट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज हम क्या कर सकते हैं कि हम ओवर यूज़ ना करें प्लास्टिक का और गार्बेज से कैसे डील करें कुछ सजेशन्स आपको यहाँ दिए हुए हैं सबसे पहले वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक के जो बैग्स हैं पॉलीथीन उनका कम से कम यूज़ करिए वी री यूज़ द बैग्स वेनएवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट री यूज़ कर लीजिए एक ही बैग को नए नए पॉलीथीन बैग मत लेके आइए बिना किसी एडवर्स इफ़ेक्ट के मतलब कि इतनी बार भी रीयूज़ नहीं करना है कि वो हार्मफुल हो जाए उसको यूज़ करना फिर वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग्स इंसिस्ट करिए कि शॉपकीपर जो है वो पेपर बैग रखे प्लास्टिक बैग्स में चीज़ें ना दे वी कैरी अ क्लोथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग शॉपिंग के लिए अगर आप जाएँ तो अपने साथ अपना पेपर का बैग माफ़ करिएगा जूट का बैग या फिर कपड़े का बैग लेके जाए वी डो नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स कोई भी खाने की चीज़ें प्लास्टिक बैग में स्टोर ना करें वी डो नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग सिर एंड देयर आफ्टर यूज़ यूज़ के बाद इधर उधर प्लास्टिक बैग्स को ना फेंके वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम प्लास्टिक बैग्स को पॉलीथीन को कोई और प्लास्टिक का कोई भी आइटम हो उसको कभी भी जलाना नहीं है वी डो नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे जब आप कूड़ा फेंक रहे हैं तो प्लास्टिक बैग में डाल के उसे ना फेंके वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आर किचन वेस्ट यूजफुली आपके जो किचन की वेस्ट चीजें हैं उसको वर्मी कंपोस्टिंग करके उससे कंपोस्ट खाद मैन्यूर बना लें वी रिसाइकल पेपर पेपर को रिसाइकल करें वी यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट लिखने के लिए पेपर के दोनों साइड का यूज करें वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क रफ वर्क के लिए स्लेट का यूज़ करें वी यूज़ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आर नोटबुक फॉर रफ वर्क आपकी किसी नोटबुक में लास्ट में कई बार खाली पेजेस बच जाते हैं लास्ट ईयर की कॉपीज़ uh, में उनको रफ वर्क के लिए यूज़ कर ले वी मेक आर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसज फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट अलग अलग टाइप ऑफ वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है उसके बारे में अपनी फैमिली फ्रेंड्स और बाकी लोगों को अवेयर कराए थिंक अबाउट सम अदर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ़ प्लास्टिक एंड डिस्कस और क्या किस तरीके से आप प्लास्टिक के ओवर यूज़ को रोक सकते हैं डिस्कस करेंगे या आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचने वाला ये है मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट जितना ज्यादा गार्बेज आप uh, जनरेट करेंगे उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा उससे गेट रिड करना तो मतलब कि कम यूज करें तीन चीजें कही जाती है रीयूज रिड्यूज रीयूज एंड रीसाइकिल ये तीन हमने पढ़ा इसमें किस तरीके से उसको कम किया जाए रिड्यूस करो पहले तो कम ही गार्बेज प्रोड्यूस हो ऐसी कोशिश करो फिर यू री यूज़ कर लो जैसे कि पॉलीथीन है एक को ही बार बार यूज कर सकते हैं आप एंड रिसाइकल करिए जैसे कि पेपर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है होपफुली चैप्टर सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग